नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस है, शरद पवार गुट एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना वाले इस गठबंधन ने मंगलवार को ऐलान किया कि कौन कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी 21, शरद पवार का दल 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस नंदरबार, धुली, अकोला, अमरावती, नागपुर, बांद्रा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, जलना, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ेगी। वहीं शरद पवार की पार्टी बारामती, शिरपुर, सतारा, भिवंडी, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण, भीड़, मधा, डिंडौरी, रावरे सीट पर लड़ेगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का दल जलगांव, परभंडी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मवाल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, शिरडी, संभाजीनगर, सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल, यवतमाल, हिंगोली और हाथकणगले सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब किसी के मन में कोई सवाल बचा नहीं है, सब कुछ साफ हो गया है। इस बार मैंने नारा दिया था किसको तड़ी पार करना है। उन्होंने आगे कहा कि जगहों को लेकर कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जरूर होती है और ये गलत नहीं है, लेकिन सबको ये सोचना होगा कि किससे लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि महाविकास आघाड़ी मिलकर कैसे प्रचार करेगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जगह बंटवारे को लेकर हमने सारी मुश्किलें खत्म कर दी है। राज्य और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। सबने देखा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी को के दफ्तर में बैठाया गया, इसका बदला जनता लेगी। इससे पहले कांग्रेस और उद्धव में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें आ रही थी। दक्षिण मध्य मुंबई, सांगली, उत्तर पश्चिम सीट कांग्रेस किसी भी कीमत पर चाहती थी। यहां तक कि बात नहीं बनी तो फ्रेंडली फाइट तक का ऑफर कांग्रेस ने दिया, लेकिन उद्धव और संजय राउत ने एक नहीं सुनी और इनकार करते हुए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि भिवंडी सीट एनसीपी और कांग्रेस के बीच नाराजगी की वजह बन रही थी। एनडीए नेताओं की सीट बंटवारे पर 23 बैठक की मुंबई में हुई। नाराज कांग्रेस नेता दिल्ली तक आलाकमान से संपर्क कर हर हल निकालने में जुटे रहे, लेकिन साथी दलों ने उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।